नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 दिसंबर मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब की कई नामचीन हस्तियों के घर छापा मारा है। जानकारी के अनुसार एनआईए ने मोहाली में कंवर गरीवाल के घर छापा मारा है। इसके अलावा एनआईए ने गायक रंजीत बावा के घर पर भी दबिश दी है। बता दें कि एनआईए ने इस छापेमारी के दौरान कंवर गरीवाल के मोहाली में स्थित ठिकाने को सील कर दिया है। कंवर गरीवाल ताज टावर में रहते हैं। एनआईए ने ये छापेमारी गैंगस्टर और गायकों के बीच के लिंक को लेकर की है। सिंगर और अभिनेता रंजीत बावा के बटाला स्थित ग्रेटर कैलाश वाले घर और गांव वडाला ग्रंथिया में इनकम टैक्स की दो टीमों ने दबिश दी है। इसके अलावा रंजीत बावा के पीए डिप्टी वोहरा के गुरु नानक नगर में स्थित ठिकाने पर इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम गायकों और गैंगस्टरों के आपसी लिंक की जांच कर रही है। राजस्थान में दिनों दिन मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में एक बार फिर तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि इस सप्ताह तापमान में तेजी से गिरावट होगी। 23 से 29 दिसंबर के दौरान न्यूनतम तापमान में और गिरावट के आसार हैं। इस समय प्रदेश में कड़ाके की सर्दी रहेगी। इस बीच बीती रात को पारे में फिर से उछाल देखने को मिला। जयपुर में गलन भरी सर्दी रही। बीती रात रविवार को सबसे कम पारा फतेहपुर का 3, चूरू का 4, अलवर का 5.5, श्रीगंगानगर में 7.1, जयपुर में 10.5, जैसलमेर का 10.9, अजमेर का 10.8, बीकानेर का 8.2, उदयपुर का 12.8, पिलानी का 5.9, सीकर का 7.1, बाड़मेर का 13.7 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर की तरफ से सर्द हवाओं का रुख हर दिन तेज होता जा रहा है, जिससे ठंड का असर आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा। बीकानेर जिले में 2 साल पहले हुई महिला मोनालिसा की हत्या के मामले में पुलिस ने अब खुलासा कर महिला के पति और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। दरअसल मोनालिसा नाम की महिला की 2 साल पहले कोरोना के दौरान जयपुर में मौत हो गई थी। तब परिवार ने कोरोना से सामान्य मौत मानते हुए अंतिम संस्कार कर दिया था। अब मामले में जांच तेज हुई और पुलिस ने हत्याकांड में शामिल भवानी सिंह और दोस्त जितेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मोनालिसा के पिता सपन चौधरी ने सदर थाने में 4 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बेटी का मर्डर करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में भवानी सिंह का कृत्य संदिग्ध लग रहा था। मोनालिसा के पिता ने परिवाद में लिखा, उसकी जयपुर रोड स्थित करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को हड़पने के लिए ही भवानी सिंह ने उसकी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना से हार के बाद फ्रांस के फैंस बेकाबू हो गए। हजारों फैंस ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में दंगे शुरू कर दिए, गाड़ियां तोड़ी और आगजनी की। पेरिस के अलावा कई अन्य शहरों तक ये हिंसा फैल गई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी। पेरिस में हजारों पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि लियोन, नीस में भी हिंसक घटनाएं हुई हैं। पेरिस के मशहूर चैंप्स एलिसिस में भी फैंस आपस में भिड़ गए। अधिकारी ने बताया कि फ्रांस की जीत देखने के लिए लाखों फैंस फ्रांस के शहरों में सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन अर्जेंटीना से 4-2 से मिली हार के बाद उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। गुस्साए फैंस पुलिस से भिड़ गए। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र के थड़ी गांव में महिला का ब्लाइंड मर्डर करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि मृतका और आरोपी के बीच दोस्ती थी। कुछ दिनों से इनके संबंधों में खटास आ गई थी। इसी वजह से आरोपी चंद्र प्रकाश प्रजापत निवासी सूत्रा ने महिला ज्ञानी बाई की हत्या कर दी। पुलिस अभी आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पुलिस ने बताया कि सुरेश भील ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी छोटी बहन ज्ञानी बाई की शादी खेमा भील के साथ हुई थी। उसके 2 बच्ची है। बहन को 6 साल से उसके पति ने छोड़ रखा है। ज्ञानी बाई उसके पास ही रह रही थी। 3 दिन पहले बहन बिना बताए घर से चली गई और वापस नहीं लौटी। चंद्र प्रकाश ने बताया कि कुछ दिनों से संबंधों में खटास आने के बाद पत्थरों से उसकी हत्या कर दी। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां हाल ही में गठित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 12 सदस्यों ने पद से इस्तीफा दे दिया है। सदस्यों की ओर से दिए गए त्याग पत्र में पार्टी नेतृत्व पर स्थानीय नेताओं को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। उत्तम कुमार की ओर से आरोप लगाया गया है कि पीसीसी में 50% से अधिक सदस्य ऐसे नेता हैं
जो हाल ही में TDP से जुड़े थे। इससे पार्टी के लिए बीते 6 साल से काम कर रहे नेताओं को निराशा हाथ लगी है। पत्र में कहा गया है कि तेलंगाना में KCR तानाशाही शासन चला रहे हैं। KCR को सत्ता से बाहर करने के लिए कड़े संघर्ष की जरूरत है। राजधानी जयपुर में ठग तंत्र मंत्र के सहारे गड़ा धन जवाहरात निकालने का झांसा देकर लोगों को शिकार बना रहे हैं। यह खुलासा VKI पुलिस की गिरफ्त में आए कुछ ठगों से पूछताछ में हुआ है। पुलिस भी उस समय भौचक्की रह गई जब मौके पर ठगों को ले जाकर JCB की सहायता से 12 फीट का गड्ढा खुदवाया तो वहां बड़ा भारी मटका निकला। पुलिस ने मटका समेत अन्य सामान को जब्त कर लिया है। आरोपी साल भर पूरा भी परिचित की जमीन में गड्ढा खुदवाकर मटका जमीन में दबा देते थे, उसके बाद आसान शिकार तलाश कर वारदात को अंजाम देते हैं। थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि आरोपियों कोटड़ा अमेर निवासी कालूराम व रेनवाल निवासी रोशन मीना ने जमीन में गड़ा धन निकालने का झांसा देकर उसे 40 लाख रुपए की ठगी की थी। जांच के बाद कालूराम समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे के गंगापुर वजीरपुर सड़क मार्ग पर सेवा गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वजीरपुर थाना पुलिस ने बताया कि गंगापुर सिटी पुलिस चौकी के पास वार्ड नंबर 24 निवासी 42 वर्षीय उमर खान गंगापुर सिटी से वजीरपुर में एक शादी समारोह में बाइक से जा रहा था। इस दौरान सेवा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उमर खान की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गामड़ी गांव में एक युवक ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि बस्सू डामोर निवासी गामड़ी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह उसके बेटे मुकेश डामोर के घर बैलों को पानी पिलाने के लिए गया। इस दौरान घर में देखा तो बेटा बल्ली से फंदा लगाकर लटका हुआ था। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और लोग एकत्रित हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना को लेकर जांच कर रही है।